तू
Thank you.
मैं फरिश्ता हूं, लाइट के शरीर में मैं आत्मा अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। मैं फरिश्ता अत्यंत हल्का हूं, देह और देह के सभी संबंधों के रिश्तों से परे मैं फरिश्ता हूं। सभी बोझों से मुक्त इस फर्श से ऊपर अर्शवासी मैं फरिश्ता हूं। स्मृति में लाए अपना डबल लाइट स्वरूप, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। मैं फरिश्ता अभी अपने आप को अनुभव करता हूं सफेद लाइट की दुनिया में, जहां चांदनी सा प्रकाश है, असीम पवित्रता है। सूक्ष्म वतन में कितना हल्कापन है, यहां कोई बोझ नहीं। ये सफेद लाइट की दुनिया में मैं अपने आप को डबल लाइट स्वरूप में अनुभव कर रहा हूं। इस पवित्र दुनिया में अपने आप को अनुभव करते मैं अपने सामने देखता हूं संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता, अव्यक्त बाप दादा। मुझे इशारे से अपने नजदीक बुला रहे हैं।
मैं बाबा के पास, बाबा के सम्मुख पहुंच जाता हूं। देख रहा हूं संपूर्णता के स्वरूप को, उस दृष्टि की पवित्रता को, उस मुख की मुस्कान को, उस चेहरे की रूहानियत को, और उस प्रकृति में चमकते हुए महाज्योति को मैं फरिश्ता देख रहा हूं। बाप दादा से वो पवित्रता और शक्ति की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। ये पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर जमे हुए सब धूल मिट्टी कमी कमजोरियों को नष्ट कर रही है। मैं अपने आप को अत्यंत हल्का महसूस कर रहा हूं। बाप दादा का सानिध्य एक अलग अनुभव करा रहा है। सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति, मेरे मन को जैसे एक सुकून मिल गया है। अब बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखते हैं और बहुत प्यार की दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं। बच्चे
विश्व कल्याणकारी भव। बाबा याद दिला रहा है मुझे मेरा कर्तव्य, कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। बाबा से अपने में पवित्रता और शक्ति को भरते हुए अब मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता बाबा का हाथ पकड़कर अंतरिक्ष में स्थित हो जाता हूं और अपने सामने देख रहा हूं विश्व के गोले को। आज बाबा विशेष दो तरह की आत्माओं को मेरे सम्मुख इमर्ज कर रहा है। सबसे पहले है वो आत्माएं जिन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा के साथ रिश्ता भी जोड़ा, लेकिन किसी कारणवश कोई परिस्थिति, कोई माया, कोई कमी कमजोरी के वश होकर बाबा का हाथ छोड़ दिया। आज मैं फरिश्ता बाबा का हाथ पकड़कर ऐसी आत्माओं को शक्ति की किरणें दे रहा हूं। हे आत्माओं, आप बहुत शक्तिशाली हो। आप में भरपूर शक्ति है अपनी कमी कमजोरी को नष्ट करने की। याद करो वो दिन जब आप भगवान के साथ थे, तो कितने सुख में थे। अभी समय बहुत कम है, इसलिए शक्तिशाली स्वरूप को धारण कर वापस बाबा के पास आओ। मुझ फरिश्ते से शक्ति की अनंत किरणें इन सभी भूली भटकी आत्माओं को मिल रही है।
उन्हें बाबा की, बाबा के प्यार की स्मृति दिला रही है। और ऐसी आत्माएं वापस अपने घर, अपने बाबा के पास लौट रही है। कितना सुंदर दृश्य है वो, बाप और बच्चों का मिलन फिर से हो रहा है। ये सभी आत्माएं फिर से एक बार बाबा का हाथ पकड़कर पुरुषार्थ करने के लिए शक्तिशाली बन चुकी है। बाबा भी मेरे साथ इन सभी आत्माओं को देख रहा है और इन्हें अमर भव का वरदान दे रहा है। ये सभी आत्माएं ज्ञान में अमर हो रही है और सुख की अनुभूति फिर से एक बार कर रही है। अब बाबा उन आत्माओं को इमर्ज कर रहा है जो ओरिजिनली दैवी कुल से है, देवी देवताएं हैं, लेकिन अभी कलयुग के अंतिम समय में विषय सागर में डूब चुकी है। मैं देख रहा हूं उन सभी आत्माओं को जो अपने ओरिजिनल स्वरूप को पूरी तरह से भूल चुकी है। बाबा अब मुझ फरिश्ते द्वारा इन आत्माओं को
वो स्मृति दिला रहा है। वो प्यार की किरणें दे रहा है। जिस प्यार को ये आत्माएं इस कलयुगी दुनिया में ढूंढ रही है, वही प्यार उन्हें भगवान द्वारा प्राप्त हो रहा है। हे दैवी कुल की आत्माओं, जागो, याद करो आप कौन थे। याद करो आपका ओरिजिनल स्वरूप कैसा था। आपको ऐसे देवी देवता किसने बनाया था, याद करो। मुझ विश्व कल्याणकारी फरिश्ते द्वारा इन सभी विशेष आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना के साथ साथ स्मृति के संकल्प प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी आत्माओं में अपने दैवी कुल के संस्कारों की स्मृति जागृत हो रही है। इन सभी आत्माओं की नजर ऊपर एक परमात्मा की तरफ जा रही है। ये सभी दैवी कुल की आत्माएं परमात्म प्यार को अनुभव कर रही है।
जैसे कि उन्हें नया जीवदान मिल चुका है। ये सभी आत्माएं जल्दी से जल्दी अपना वर्षा पाने के लिए नजदीकी सेवा केंद्रों पर पहुंच रही है। हर सेवा केंद्र बाबा के बच्चों से महक उठा है। मैं देख रहा हूं ये मेरे बिछड़े हुए भाई बहन इस अंतिम समय में अपने पिता से वर्षा पाने के लिए अपने घर में पहुंच चुकी है। अपने बाबा से मिलकर, बाबा का ज्ञान सुनकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही है। मैं और बाबा अंतरिक्ष से ये सारा दृश्य देख रहे हैं। सारी सृष्टि मेरी आंखों के सामने सुखमय हो रही है। मैं फरिश्ता इन सभी आत्माओं का आवाहन कर रहा हूं। इस सुंदर दृश्य को देखते हुए इन सभी आत्माओं में शक्ति की किरणें भरते हुए अब मैं फरिश्ता अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप को स्मृति में रख वापस अपने साकारी शरीर में लौट आता हूं। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूं। सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना की किरणें फैला रहा हूं।
ओम शांति।